हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट दही चैनल में स्वागत है। हम इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन का जो आर्टिकल स्टडी कर रहे थे उसमें हमारी सिर्फ एक्सरसाइज 3 जो एडवांस लेवल की एक्सरसाइज होती है उसके डाउट्स पेंडिंग थे, लेकिन आपने इस कैटेगरी में ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं किया है तो सभी डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले मैच द कॉलम का जो हमारा आर्टिकल है, सो मैच द कॉलम फर्स्ट को हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो मैच द कॉलम का जो आपका आर्टिकल है उसमें से जो फर्स्ट कॉलम है उसमें से हम ए ऑप्शन ले रहे हैं। क्या ए ऑप्शन आपका एंटी डेरिवेटिव, आपको क्या करना है एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंटी डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, एंटी डेरिवेटिव हो या फिर प्रिमिटिव हो दोनों का मीनिंग क्या है, आपको इंटीग्रेशन लेना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ एक्स, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सिंपली पुट करना था कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई टू। ये पुटिंग हमें करनी थी यहाँ पे रिप्लेसमेंट के बाद, हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। सो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इन टू 1 प्लस टेन स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई टू माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इन टू क्या मिलेगा आपको 1 माइनस टेन स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय क्या आता 1 अपॉन टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू, एक चला जाएगा ऊपर। सो 1 प्लस टेन स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, तो 1 प्लस टेन स्क्वेयर का मतलब क्या होगा सेक्स स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई टू इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर इंटू 1 ए स्क्वेयर, ओके ना। सो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू टेन स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई टू माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ओके माइनस माइनस क्या होगा प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इन टू टेन स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई टू, तो चलो कंबाइन करेंगे। सो सेक्स स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई टू इन टू डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी माइनस बी स्क्वेयर, सो ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस होगा, सो टू बी स्क्वेयर प्लस यहाँ पे टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू यहाँ पे टेन स्क्वेयर एक्स बाई टू बाहर चल जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मतलब बी स्क्वेयर कैंसिल होगा ए स्क्वेयर रहेगा, सो टू ए स्क्वेयर इन टू टेन स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई टू। जस्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन जो टर्म्स है वो आपको करके लेने हैं, तो यहाँ पे टू कॉमन गया ए स्क्वेयर कॉमन गया तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू पहले कॉमन लिया ए स्क्वेयर कॉमन लिया, सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 ए स्क्वेयर इन टू सेक्स स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई टू डी एक्स अपॉन बी बाई ए ब्रैकेट का स्क्वेयर प्लस टेन स्क्वेयर ऑफ एक्स बाई टू इन टू डी एक्स, ओके। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है आपको क्या पुट करना है, आपको यहाँ पे टेन ऑफ एक्स बाई टू को पुट करना था और उसको पुट करने के बाद आगे का प्रॉब्लम आप क्या करोगे सॉल्व करोगे। तो आपको क्या करना है पुट t इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स बाई टू, उसके बाद आपका प्रॉब्लम इजीली क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा और आपको सामने से कॉलम में इसको क्या करना है मैच करना है। तो अब यहाँ पे आपका जो कॉलम नंबर फर्स्ट में ऑप्शन बी है उसको सॉल्व करेंगे। क्या है ऑप्शन बी, सिंपल सी बात थी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ऑफ एक्स डी एक्स, आपको सिर्फ कैटेगरी आइडेंटिफाई करनी थी, क्या करना था डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वेयर एक्स, सो 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स यहाँ पे क्या हो जाता सेक्स स्क्वेयर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स मतलब ए स्क्वेयर टेन स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स मतलब बी स्क्वेयर इन टू डी एक्स, तो ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया, सो 1 अपॉन ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वेयर एक्स डी एक्स अपॉन टेन स्क्वेयर एक्स प्लस बी अपॉन ए ब्रैकेट स्क्वेयर। तो सिंपली यहाँ पे आपको टी इज इक्वल टू क्या पुट करना था टेन एक्स पुट करना था, इससे आगे आप आसानी से क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। तो ऑप्शन निकाल के सामने वाले ऑप्शन से मतलब सेकेंड कॉलम में जो है उससे मैच करना था तो ये भी आसानी से सॉल्व हो जाता, ओके। तो नेक्स्ट जो है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो सी नंबर का देखो एफ इंटीग्रेशन ऑफ क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए कॉस एक्स
प्लस बी साइन एक्स इन टू डी एक्स। तो सिंगल एंगल था पुटिंग का, होती है हाफ एंगल में, तो आपको पुट क्या करना था, टेन ऑफ एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी पुट करना था, तो आपका डी टी क्या आ जाता, डी एक्स आ जाता आपका टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर। तो आपका कॉस एक्स क्या आ जाता, वन माइनस टी स्क्वेयर अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर, एंड साइन एक्स आपका क्या जाता, टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर। तो इस हिसाब से आपको सिर्फ क्या करना था, यहाँ पे पुटिंग। सो इंटीग्रेशन के बाद आपको क्या मिलता, वन अपॉन ए इंटू कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, वन माइनस टी स्क्वेयर अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर, प्लस बी इंटू टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर इंटू टू टी अपॉन वन प्लस सॉरी टू डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वेयर। सो वन प्लस टी स्क्वेयर, वन प्लस टी स्क्वेयर, वन प्लस टी स्क्वेयर कैंसिल हो जाता, टू कॉमन है बाहर जाता, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन क्या रहा, यहाँ पे देखो ए इंटू वन माइनस टी स्क्वेयर प्लस टू बी टी। तो यहाँ से अरेंज करेंगे टू इंटू डी टी अपॉन, ए को कॉमन ले लिया सो वन अपॉन ए बाहर आ गया, वन माइनस टी स्क्वेयर प्लस टू बी अपॉन ए इंटू टी। तो क्या है, टू अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन क्या मिलता, वन प्लस टू बी अपॉन ए टी माइनस टी स्क्वेयर। तो ये कैटेगरी कौन सी है, थर्ड टर्म की। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई बड़ी बात है नहीं, तो थर्ड टर्म की प्रॉपर्टी यूज करके आप इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, करना आपको होगा। देखो मैं आपको सिर्फ सिंप्लीफाइड करके दे रहा हूँ, आंसर्स आपको फाइंड करने होंगे, यहाँ के इससे बाद आपको सॉल्व होना चाहिए ही चाहिए। ओके चलो, तो ऑप्शन डी जो है वो भी सिंपल है। देखो सेम जो कैटेगरी ऑप्शन बी में हमने जो किया था, आपको वही करना है। क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। आप क्या करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे। अब वहां पे सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा, तो आपको करना क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स को आपको डिवाइड करना होगा, और वहां पे क्या लिखना होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स को डिवाइड करने के बाद आप क्या करोगे, वहां पे सेक्स स्क्वायर एक्स को वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स पुट करोगे। तो ऑप्शन डी जो था वो भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन कॉलम फर्स्ट जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो चलो कॉलम टू में, सो कॉलम टू में देखो, कॉलम टू में आपके डाउट्स कौन से थे, आपके डाउट्स ए एंड सी, आपके डाउट्स है कॉलम टू में ए एंड सी आपने क्या दिया है, डाउट्स में दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखो कॉलम टू में क्या पूछा गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स आपको पूछा है। सो कैसे सॉल्व करोगे आप, इंटीग्रेशन, तो ऑप्शन ए को देखो, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू थ्री बाई टू डी एक्स, इसे पेंट करना है। सिंपल बात है, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, ए क्या पुट करोगे, ए टेन थीटा, क्या पुट करोगे, ए टेन थीटा। सो डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डी एक्स इज इक्वल टू ए से रहेगा, टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या है, सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ रिप्लेस किया तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा रेस टू थ्री बाई टू। तो फिर आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक थीटा सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, ए स्क्वेयर को कॉमन लिया ए स्क्वेयर, तो उसकी पावर क्या आएगी, थ्री बाई टू इंटू वन प्लस ए स्क्वेयर तो कॉमन गए, वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा रेस टू थ्री बाई टू। सो टू टू कैंसिल होगा, क्या आएगा, ए क्यूब। सो ए बाहर आ गया, ए अपन यहाँ पे ए क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वेयर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा, मतलब क्या, वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वेयर थीटा, तो इसकी पावर क्या है, थ्री बाई टू, तो इसकी पावर क्या आएगी, थ्री बाई टू, टू टू कैंसिल होगा, मतलब क्या आएगा, सेक क्यूब थीटा इन टू डी थीटा। सो सेक स्क्वेयर एक कैंसिल हो जाए, क्या रहेगा, वन अपॉन सेक मतलब क्या होता है, कॉस। सो वन अपॉन ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। तो आगे क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन आपको पता है, वन अपॉन ए स्क्वेयर इन टू साइन थीटा प्लस सी, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, तो करना क्या होगा, आपने पुटिंग कहा की थी टेन थीटा में, तो आपको साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना होगा, टेन थीटा। तो कैसे लिखोगे, एक्स आ जाएगा तो एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा, ओके ना।
तो साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा लिखना होता है। कैसे लिखोगे आप? ठीक है, चलो साइन थीटा, टैन थीटा क्या है आपका? एक्स अपॉन ए, तो इसका मतलब टैन थीटा को आप कैसे लिख सकते हो? टैन थीटा की वैल्यू क्या है? एक्स अपॉन ए, तो यहां से सेक सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी? sec थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। सो क्या मिलेगा? रूट ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन ए, मतलब क्या? एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मतलब क्या मिलेगा? ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर का बाहर जाए क्या मिलेगा? ए, ए मिला sec थीटा, तो sec थीटा मिला तो उससे आप क्या फाइंड करोगे? sec थीटा से आप फाइंड करोगे cos थीटा, तो cos थीटा क्या आएगा? इसका रेसिप्रोकल, मतलब ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, cos थीटा आपको मिला, इससे आप क्या फाइंड करोगे? sin थीटा, sin थीटा क्या है? रूट ऑफ वन माइनस cos स्क्वेयर थीटा, cos स्क्वेयर थीटा मतलब क्या? ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, मतलब क्या मिलेगा? एक्स स्क्वेयर, सो एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा? साइन थीटा। सो साइन थीटा की वैल्यू आप रिप्लेस कर दी तो आपको क्या मिलेगा? वन अपॉन ए स्क्वेयर इंटू साइन थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो? आंसर्स को फाइंड कर सकते हो। ओके, देखो डी ऑप्शन यस जो है वो आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे थी नहीं। तो आपका कॉलम टू में ए जो था वो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे सी आपका जो है, देखो क्या है, सी में इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर रेस टू थ्री बाई टू इंटू डी एक्स। अच्छे से देखो क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो एक्स की क्या पुटिंग होगी? ए इंटू सेक थीटा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू सेक थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा। रिप्लेसमेंट के बाद क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वेयर, मतलब क्या? ए सेक स्क्वेयर थीटा माइनस ए स्क्वेयर रेस टू थ्री बाई टू इंटू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। तो होगा क्या? चलो देखो, तो यहाँ से ए स्क्वेयर कॉमन लिया तो ए स्क्वेयर उसका पावर क्या होगा? थ्री बाई टू, टू टू कैंसिल होगा, मतलब क्या आ गया? ए क्यूब। सो वन अपॉन ए क्यूब, ए भी आगे आ गया ए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा? चलो देखो, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस वन रहेगा, ओके ना, तो फिर क्या आएगा? टेन स्क्वेयर थीटा रेस टू थ्री बाई टू, टू टू कैंसिल होगा। सो यहाँ पे क्या मिलेगा? ए अपॉन ए स्क्वेयर, मतलब क्या मिलेगा? वन अपॉन ए स्क्वेयर, ए क्यूब है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई टेन स्क्वेयर टेन क्यूब थीटा, तो टेन थीटा और ये कैंसिल हो जाएगा, सेक अपॉन टेन स्क्वेयर रहेगा, तो क्या मिलेगा? वन अपॉन ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ सेक, मतलब क्या? वन अपॉन कॉस थीटा, टेन स्क्वेयर मतलब क्या? साइन स्क्वेयर अपॉन कॉस थीटा, कॉस स्क्वेयर थीटा, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, सो वन अपॉन ए स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा डी थीटा। साइन थीटा को पुट किया तो कॉस थीटा डी थीटा उसका डेरिवेटिव आएगा, सो वन अपॉन ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी स्क्वेयर इंटू डी टी। सो क्या होगा? वन अपॉन ए स्क्वेयर इंटू माइनस वन अपॉन टी, मतलब क्या आएगा? प्लस सी, टी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस वन अपॉन ए स्क्वेयर इंटू वन अपॉन साइन थीटा प्लस सी, ओके ना, तो पुटिंग का आके थी सेक थीटा में, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू सेक थीटा, तो फिर क्या होगा? एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, देयर फोर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स। सो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस वन अपॉन ए स्क्वेयर इंटू वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस सी, वैल्यू पुट की माइनस वन अपॉन ए स्क्वेयर इंटू वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स ऊपर चल जाएगा, सो माइनस वन अपॉन ए स्क्वेयर इंटू एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कॉलम नंबर टू आपको क्या करना था? सॉल्व करना था। तो अब देखो कॉलम नंबर थ्री, देखो कॉलम नंबर थ्री, तो कॉलम नंबर थ्री में क्या था?
आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। एफ ऑफ एक्स आपको दिया है, क्या है एफ ऑफ एक्स कॉलम नंबर 3 में, एल एन ऑफ सो ऑन अप टू एल एन ऑफ एक्स, कितने टाइम्स से आर टाइम्स, ओके ना। तो फिर आपको क्या कहा गया है, आपको कहा गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ वन ऑफ एक्स इंटू एफ टू ऑफ एक्स इंटू सॉन अप टू एफ 15 ऑफ एक्स रेस टू इनवर्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ के ऑफ एक्स प्लस सी। तो 15 टाइम्स दिया है, ओके। तो यह 15 का मतलब यहाँ पे एल एन कितनी टाइम्स होगा, 15 टाइम्स होगा। सेम प्रॉब्लम हमारा हो चुका है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन इनवर्स है मतलब नीचे जाएगा, एक्स आएगा इंटू एफ वन ऑफ एक्स मतलब एल एन ऑफ एक्स आएगा, एफ टू ऑफ एक्स मतलब एल एन ऑफ एक्स आएगा इंटू एफ 15 ऑफ एक्स सॉन ऑफ टू एल एन, इसका मतलब क्या है, एल एन ऑफ सॉन ऑफ टू एल एन ऑफ एक्स। तो ऐसा कितने टाइम्स आएगा, 15 टाइम्स आएगा डी एक्स, ओके ना। तो आपको पता है अगर आपने इसे टी पुट किया तो रिमेनिंग सभी पार्ट क्या होगा, डी एक्स होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी इंटू डी टी होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, एल एन ऑफ टी प्लस सी, मतलब क्या होगा, एल एन ऑफ टी का मतलब क्या होगा, 15 टाइम्स एल एन ऑफ एंड सो ऑन अप टू एल एन ऑफ एक्स, ये कितने टाइम्स होगा, टोटल 15 टाइम्स। तो 15 प्लस ए हो गया मतलब टोटल कितना हो गया, 16 टाइम्स हो गया। सो यहाँ पे कितना आएगा, यप 16 ऑफ एक्स प्लस सी आएगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू कंपेयर की तो k कितना आएगा, 16 आएगा एंड k इज डिविजिबल बाय फिर 8 आएगा। तो आपको पूछा है वेयर k इज डिविजिबल बाय, तो यप ऑफ k एक्सपेंड करना था और k किस से डिवाइड होता है ये फाइंड करना था, k की वैल्यू आएगी 16 क्योंकि आपको पता है 15 का इनवर्स है, तो उसका आंसर ये 16x आएगा। तो ये आपका प्रॉब्लम हो चुका है, फिर भी आपका फिर से डाउट में आता है, इसका मतलब आप अच्छे से लेक्चर जो है वो देखते नहीं हो। चलो सेकेंड बी ऑप्शन जो है कॉलम नंबर 3 में आपका बी ऑप्शन है, क्या है आपका बी ऑप्शन, चलो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस क्वार्ट रेस टू 4x डिवाइडेड बाय टेन ऑफ एक्स प्लस कॉट ऑफ 5 रेस टू x इंटू डी एक्स। सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन अगर आप अच्छे से देखोगे ना, 1 अपॉन k एल एन ऑफ साइन रेस टू के एक्स प्लस कॉस रेस टू के एक्स प्लस सी। तो मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो ट्रिक्स मैं आपको बार बार बताता हूँ फिर भी आपके डाउट्स में वो कैसे आता है। अगर ऑप्शन में आपके पास साइन रेस टू के कॉस रेस टू के है तो आपको इसे कन्वर्ट करना होगा, 1 माइनस कॉट मतलब क्या, कॉस रेस टू 4x अपॉन साइन रेस टू 4x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा, टेन एक्स मतलब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस रेस टू 5x अपॉन साइन रेस टू 5x इंटू डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन रेस टू 4x माइनस कॉस रेस टू 4x डिवाइडेड बाय साइन रेस टू 6x प्लस कॉस रेस टू 6x अपॉन क्या आएगा, साइन रेस टू 5x इंटू कॉस एक्स, यहाँ डिवाइड में क्या आएगा, साइन रेस टू 4x। सो 4x और ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा dx। सो इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन रेस टू 4x माइनस कॉस रेस टू 4x डिवाइडेड बाय साइन रेस टू 6x प्लस कॉस रेस टू 6x इंटू साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स dx। तो अब क्या करेंगे, चलो देखो यहाँ पे क्लियरली, अगर हमने क्या पुट किया, यहाँ इसे मल्टीप्लाई किया या फिर ऐसे रखो, चलो साइन रेस टू 6x प्लस कॉस रेस टू 6x को टी पुट किया, साइन रेस टू 6x प्लस कॉस रेस टू 6x को टी पुट किया, तो क्या आएगा, 6 इंटू साइन रेस टू 5x इंटू कॉस एक्स प्लस इसका ड्यू 6 कॉस रेस टू 5x इंटू माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये 6 वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन रेस टू 4x
माइनस कॉस रेस टू फोर एक्स, यहाँ पे क्या किया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन लिया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई सिक्स। तो मैंने इसे पुट किया तो ये पूरा क्या बनेगा डी टी बाई सिक्स। तो इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई सिक्स बाहर चला गया डी टी अपॉन टी, तो फिर आंसर क्या आएगा वन बाई सिक्स इंटू एल एन ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। सो वन बाई सिक्स इंटू एल एन ऑफ मॉड ऑफ साइन रेस टू के एक्स प्लस कॉस रेस टू के एक्स, मतलब क्या सिक्स एक्स आएगा प्लस सी। तो सिंपली के की वैल्यू आपकी कितनी आएगी सिक्स आएगी। तो ये टाइप का प्रॉब्लम भी ये आज से पहले हो चुका था, फिर भी आपके डाउट्स में यहाँ पे है। प्रॉब्लम नंबर सी बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या है देखो, वन माइनस कॉस का फॉर्मूला आपको पता है। सी का जो डाउट है वो बहुत सिंपल है, वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू, एंड वन प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है टू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू। ये दोनों फॉर्मुलेशन आप वहाँ पे पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है वहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है बाय पार्ट्स यूज करना है, लेकिन प्रॉब्लम में आपको उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है तो उसी की तरफ ध्यान दो। चलो इंटीग्रेशन ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, बाय पार्ट्स का यूज किया, फर्स्ट ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या है ई रेस टू एक्स बाई टू अपॉन वन बाई टू माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स बाई टू अपॉन वन बाई टू इंटू डी एक्स। सो वन बाई टू पर जाएंगे टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स बाई टू माइनस ये टू टू इंटू कितना होगा फोर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स बाई टू डी एक्स। फिर से यहाँ पे बाय पार्ट्स यूज किया, टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स बाई टू माइनस फोर फर्स्ट एज इट इज ई रेस टू एक्स बाई टू अपॉन वन बाई टू माइनस इसका डेरिवेटिव वन, इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स बाई टू अपॉन वन बाई टू डी एक्स। तो फिर क्या होगा टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स बाई टू माइनस फोर इंटू टू एक्स ई रेस टू एक्स बाई टू माइनस टू इंटू ई इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन लेंगे सो टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स बाई टू माइनस फोर इंटू टू एट माइनस एट एक्स ई रेस टू एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस फोर इंटू टू एट ई रेस टू एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स बाई टू अपॉन वन बाई टू प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सो ई रेस टू एक्स बाई टू को कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन प्लस सी ये आएगा। तो यहाँ पे सीधा द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये ई रेस टू एक्स बाई टू ये आपका एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आपका आएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन। तो एफ डैश ऑफ एक्स लोगे इसकी आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यहाँ पे यूज करोगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा फोर एक्स माइनस एट, फोर को कॉमन लिया एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स इज इक्वल टू टू, इसका डबल डेरिवेटिव लिया एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल कितना आएगा फोर विच इज ऑलवेज लेस देन जीरो, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू टू इज पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। तो एक्स इज टू यहाँ पे पुट किया फंक्शन में सो टू इंटू टू का स्क्वायर कितना है फोर माइनस एट इंटू टू मतलब सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन दोनों क्या हो गए कैंसल, सो फोर इंटू टू आपकी क्या आ गई एट, ए जो थी ये क्या आ गई मिनिमम वैल्यू आपकी आ गई। तो इस हिसाब से आपको प्रॉब्लम को क्या करना है सॉल्व करना है, तो आप अच्छे से क्या करो इसे सॉल्व करो। इस तरह आपके जो कॉलम के डाउट्स थे तो सभी कॉलम के डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। ओके तो यहाँ पे अब हम assertion and reasoning की एक्सरसाइज लेते हैं। तो assertion and reasoning में जो आपके डाउट्स थे वो थे टू एंड थ्री। ओके assertion एंड रीजनिंग आपके क्या थे एग्जाम डाउट में थे टू एंड थ्री। तो देखो क्या है एग्जाम्पल टू ए ग्रेटर देन जीरो, स्टेटमेंट फर्स्ट आपका क्या है ए ग्रेटर देन जीरो बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल विल बी द टाइप ऑफ देन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इन टू डी एक्स। ओके ए ग्रेटर देन जीरो दिया है इसका मतलब क्या है अच्छे से देखो ए ग्रेटर देन क्या है जीरो तो इसका मतलब ये कहाँ आ गया थर्ड टर्म कैटेगरी में आ गया। तो थर्ड टर्म में सबसे पहले क्या करते हैं हम ए को यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट जो होता है उसे वन करते हैं तो यहाँ पे वन अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी इन टू डी एक्स ये आपकी कैटेगरी बनेगी सी अपॉन ए। तो आप यहाँ पे थर्ड टर्म कैसे फाइंड करते हो बी अपॉन
ए को टू से डिवाइड किया उसका स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर को एड एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो वन अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन इसका परफेक्ट स्क्वायर मिडल का साइन प्लस बी अपॉन टू ए ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस या क्रॉस मल्टीपल फोर ए स्क्वायर है तो फोर ए से मल्टीप्लाई किया सो फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। तो अब क्या होगा, वन अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन टू ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस रूट ऑफ फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए ब्रैकेट का स्क्वायर। तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस एस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सो वन अपॉन ए कॉन्स्टेंट ऐसे रहेगा वन अपॉन ए का मतलब ए रूट ऑफ फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन टू ए अपॉन ए मतलब रूट ऑफ फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए। सो ये कैंसिल होगा टू ऊपर चला जाएगा सो टू अपॉन रूट ऑफ फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स ऑफ टू ए एक्स प्लस बी अपॉन रूट ऑफ फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी इस तरह के क्या आएंगे आंसर आएंगे। तो उन्होंने क्या किया है देखो ऐसे कुछ किया है dx अपॉन म्यू इंटू टेन इनवर्स ऑफ समझा इसे क्या बोला म्यू टेन इनवर्स ऑफ टू ए से डिवाइड किया x प्लस बी अपॉन सी। तो इस हिसाब से उन्होंने आंसर दिया है। तो अगर a ग्रेटर देन जीरो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होती है तो इसे क्या बोला म्यू म्यू इंटू टेन इनवर्स ऑफ x प्लस ए अपॉन बी प्लस सी इस हिसाब से आंसर आते। तो उन्होंने इसका आंसर ऐसा दिया है और म्यू ए बी को कांस्टेंट बोला है और ये और हमारा आंसर क्या आ गया सेम आ गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट में भी उन्होंने सेम कहा है देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स कैन बी रिटर्न एज अ सम ऑफ टू स्क्वायर्स। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है बी स्क्वायर माइनस फोर सी लेस देन जीरो है तो फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम स्क्वायर ऑफ सम्स में टू सम्स यहाँ पे देखो स्क्वायर ऑफ सम में लिख रहे थे। तो मतलब क्या है इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे कैसे लिखा था स्क्वायर ऑफ सम में लिखा था मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है ट्रू है। तो सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है इसलिए फर्स्ट क्या आता है ट्रू आता है। तो अगर ए ग्रेटर देन जीरो एंड बी स्क्वायर माइनस फोर सी लेस देन जीरो होगा यहाँ पे देखो रूट है फोर सी माइनस बी स्क्वायर तो डेफिनेटली फोर सी माइनस बी स्क्वायर क्या चाहिए ग्रेटर देन जीरो चाहिए मतलब क्या होगा बी स्क्वायर माइनस फोर सी लेस देन जीरो होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है सेकेंड ट्रू है और सेकेंड में जो बताया है वही फर्स्ट में आता है इसलिए सेकेंड एम्प्लाई सेकेंड इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। एग्जाम्पल थ्री जो है एसर्शन एंड रीजन में आपका थर्ड एग्जाम्पल जो है आप उसे भी अच्छे से देख सकते हो। चलो क्या है आपका थर्ड एग्जाम्पल एसर्शन एंड रीजन थर्ड में आपका थर्ड एग्जाम्पल क्या है इफ वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इंटू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ऐसा दिया है। तो स्टेटमेंट सेकेंड अगर आप देखोगे क्या है सेकेंड स्टेटमेंट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सी ऐसा दिया है। तो देखो यहाँ क्लियरली बोला है कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स और यहाँ पे अगर देखें एक्स थ्री वाई जो थ्री वाई कॉन्स्टेंट होता अगर इसे हमने कांस्टेंट बोला तो डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होता लॉग ऑफ एक्स माइनस ए इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू होता कब अगर थ्री वाई क्या होता कांस्टेंट होता अगर थ्री वाई कांस्टेंट होता तो ये क्या था करेक्ट था। लेकिन यहाँ पे क्लियरली बोला है वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स मतलब वाई कांस्टेंट नहीं है तो डेफिनेटली ये क्या आ गया आपका रॉन्ग स्टेटमेंट आ गया। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है रॉन्ग है। तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो ऐसा आपके पास एक ही ऑप्शन है तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा फर्स्ट ऑप्शन चेक करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं ओके ना। तो इस तरह से एसर्शन एंड रीजनिंग में आपके जो भी डाउट्स थे वो यहाँ पे क्लियर हो गए। तो अब लास्ट आर्टिकल है हमारा कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग। देखो कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास कुछ तो पैसेज दिया होता है और आपको उसके हेल्प से क्या करना होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। चलो देखो कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट में सिंपल से एग्जांपल थे
एग्जांपल फर्स्ट देखो, कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट में, कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट में फर्स्ट एग्जांपल है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इंटू कॉस ऑफ टू एक्स इंटू डी एक्स। तो सीधा हम क्या करते हैं यहाँ पे बायपार्ट्स का यूज करते, तो बायपार्ट्स में ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो फर्स्ट ऐसे रहेगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस वन, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन ऑफ टू एक्स अपॉन टू माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इंटू कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन ऑफ टू एक्स अपॉन टू। ओके सो इंटू डी एक्स, यहाँ पे फिर से बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस वन अपॉन टू इंटू साइन ऑफ टू एक्स माइनस वन बाय टू ब्रैकेट, ये ऐसे रहेगा थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ टू एक्स अपॉन टू माइनस इंटीग्रेशन मध्ये इसका डेरिवेटिव क्या आएगा सिक्स एक्स माइनस फोर इंटू इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ टू एक्स अपॉन टू इंटू डी एक्स। पहले इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस वन अपॉन टू इंटू साइन ऑफ टू एक्स माइनस माइनस क्या होगा प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन टू इंटू टू क्या बनेगा फोर इंटू कॉस ऑफ टू एक्स माइनस 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 क्या होगा फिर से प्लस और फिर से माइनस। सो माइनस वन वन बाय टू इंटू वन बाय टू मतलब क्या होगा वन बाय फोर इंटीग्रेशन ऑफ सिक्स एक्स माइनस फोर इंटू कॉस ऑफ टू एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा चलो देखो ये सब ऐसे ही रहेगा माइनस वन बाय फोर, यहाँ पे क्या आएगा सिक्स एक्स माइनस फोर इसका इंटीग्रेशन साइन ऑफ टू एक्स अपॉन टू माइनस माइनस प्लस वन बाय फोर इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव क्या है सिक्स इसका इंटीग्रेशन क्या है साइन ऑफ टू एक्स अपॉन टू इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे साइन टू एक्स आ गया, यहाँ पे साइन टू एक्स आ गया तो फिर हमें क्या करना है साइन टू एक्स अपॉन फोर कॉमन लेना है। तो फिर हमने क्या लिया यहाँ पे चलो पहले कंबाइन करते हैं, सिर्फ साइन टू एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रहेगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन एट इंटू सिक्स एक्स माइनस फोर, क्या बचा सिक्स एक्स माइनस फोर प्लस कॉस टू एक्स को अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन फोर सिक्स अपॉन टू मतलब क्या होगा थ्री। ओके ना सो प्लस थ्री बाई फोर इंटू साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कॉस टू एक्स, क्या आएगा माइनस कॉस टू एक्स। तो ये फिर से क्या होगा माइनस अपॉन टू इंटू वन बाई टू प्लस सी, इस तरह से आंसर आएगा। तो चलो साइन टू एक्स अपॉन फोर लेना था, यहाँ से फोर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा चलो देखो साइन ऑफ टू एक्स अपॉन फोर, फोर कॉमन लिया तो यहाँ फोर नहीं था तो टू से क्या करना पड़ेगा अब यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो टू से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स माइनस टू, फोर गया टू रहा टू से डिवाइड किया माइनस थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस टू इस हिसाब से प्लस, यहाँ पे क्या करना है कॉस टू एक्स अपॉन एट लेना है कॉस टू एक्स अपॉन एट, यहाँ फोर था टू से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस सिक्स, एट गया माइनस थ्री प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। तो आप कंपेयर कर सकते हो यू ऑफ एक्स साइन टू एक्स अपॉन फोर का मल्टीपल है, क्या आ गया वो टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वेयर सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स मतलब थ्री आएगा माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएगा तो आपका सी आंसर यहाँ पे आ जाएगा। वी क्या आता है आपका सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स
सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस थ्री आता है, तो सी भी यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया यू, ये आ गया वी, कंपेयर करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। और सेकेंड जो है कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट में सेकेंड एमसीक्यू जो है वहाँ पे आपको सीधा सिर्फ क्या करना है, बाय पार्ट्स का यूज करना है। तो बाय पार्ट्स का शॉर्टकट भी आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, आपका आंसर वहाँ पे आ जाएगा। चलो कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट में सेकेंड एमसीक्यू, क्या है देखो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट में आपका सेकेंड एमसीक्यू क्या है। सेकेंड एमसीक्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टू एक्स इन टू एक्स रेस टू फोर, ओके ना। तो यहाँ पे आपका ये हो गया वी, ए हो गया यू, तो शॉर्टकट का आप क्या करोगे सीधा यूज, यहाँ पे आएगा एक्स रेस टू फोर, यहाँ पे आएगा ई रेस टू टू एक्स, ए डिफरेंशियबल पार्ट है, ए इंटीग्रेबल पार्ट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा फोर एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव आएगा फोर एक्स क्यूब, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा 12x स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा 24x, और उसका डेरिवेटिव कितना आएगा 24, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, ओके ना। देखो 4x क्यूब 12x स्क्वायर 24x 24 एंड 0, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा e रेस टू 2x अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा e रेस टू 2x अपॉन 4, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा e रेस टू 2x अपॉन 8, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा e रेस टू 2x अपॉन 16, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा e रेस टू 2x अपॉन 32। कैसे लेना होता है क्रॉस्ट इस हिसाब से, आगे का क्या आएगा 0, तो लेने की कोई जरूरत नहीं। तो देखो क्या आ गया e रेस टू 2x, ओके ना, कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, चलो e रेस टू 2x, x रेस टू 4 अपॉन 2, सेकेंड टर्म क्या आ गई 4x क्यूब इंटू e रेस टू 2x अपॉन 4, ओके। थर्ड टर्म क्या आ गई 12x स्क्वायर e रेस टू 2x अपॉन 8, फिर क्या आ गई 24x e रेस टू 2x अपॉन 16, फिर क्या आ गई 24 e रेस टू 2x अपॉन 32, ओके ना। तो लास्ट टर्म तो जीरो होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ओके चलो। फिर यहाँ पे क्या होगा e रेस टू 2x को कॉमन लिया, x रेस टू 4 अपॉन 2, 4 4 कैंसिल होगा या माइनस एक्स क्यूब, प्लस 4 दुनिया 4 त्रिक 12 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर, माइनस 8 दुनिया 16 त्रिक 24 3 बाई 2 एक्स, प्लस 3 बाई 2 प्लस सी, इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, e रेस 2 कॉमन लिया, चलो e रेस टू 2x अपॉन 2 लिया, तो x रेस टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 प्लस सी, आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे आपका सी मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अब कॉम्प्रिहेंशन टू को आप अच्छे से देख सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन टू ये थोड़ा सा क्रिटिकल था, ये डाउट में आता है तो कोई बात नहीं, कॉम्प्रिहेंशन टू को आप अच्छे से देखो, रिडक्शन पे बेस्ट ये आपका क्या है प्रॉब्लम से, तो अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो ये भी कुछ क्रिटिकल है नहीं। क्या है कॉम्प्रिहेंशन एक्स में देखो, चलो आई एन आपको दिया है, फर्स्ट आई एन क्या दिया है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू एन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बाय पार्ट्स का यूज करता हूँ, तो बाय पार्ट्स का यूज करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एन इंटू वन डी एक्स, तो फिर क्या होगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू एन, ये हो गया यू, ये हो गया वी, वन का इंटीग्रेशन क्या है एक्स, माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस एन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू माइनस एन माइनस वन, ओके, इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, ओके ना, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, ये होगा पावर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या है x dx, तो यहाँ पे क्या होगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू एन माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पे आ गया एन बाहर, 2n आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू एन प्लस वन इंटू एक्स क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ओके। तो फिर क्या होगा
ये आपका क्या है आई एन, अच्छे से देखो क्या है आई एन, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू एन प्लस टू एन इन टू ए स्क्वायर ऐड किया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू एन प्लस वन इन टू डी एक्स, स्प्लिट किया तो क्या मिलेगा आई एन इन टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू एन प्लस टू एन, इंटीग्रेशन स्प्लिट किया तो क्या मिलेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू एन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू एन प्लस वन, वन कैंसिल हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू एन प्लस वन डी एक्स, मल्टीप्लाई किया सो आई एन इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू एन प्लस टू एन, ये वैल्यू किसकी है आई एन की, आई एन माइनस टू एन ए स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू एन प्लस वन डी एक्स, तो इससे कंपेयर करोगे वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन आई एन था तो एन प्लस वन क्या होगा आई एन प्लस वन, तो यहाँ पे क्या होगा आई एन इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू एन, अब ये यहाँ के माइनस होगा सो आई एन माइनस टू एन आई एन, ये यहाँ जाके माइनस हो गया और ये माइनस टू एन ए स्क्वायर टू एन ए स्क्वायर इन टू आई एन प्लस वन, यहाँ पे क्या होगा वन माइनस टू एन इन टू आई एन मा प्लस टू एन ए स्क्वायर आई एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू एन, तो आपको फाइंड क्या करना है देखो आई एन प्लस वन मतलब ए वन माइनस टू एन अपॉन टू ए स्क्वायर, ओके ना टू एन ए स्क्वायर आई एन इज इक्वल टू फाइंड करना है तो यहाँ पे देखो आई एन प्लस वन टू एन ए स्क्वायर से डिवाइड किया प्लस वन माइनस टू एन अपॉन टू एन ए स्क्वायर इन टू आई एन इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू एन ए स्क्वायर इन टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस टू एन, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, आप कंपेयर करके देख लो ऑप्शन में आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। क्या किया था रिडक्शन फॉर्मूलाज थे, रिडक्शन फॉर्मूलाज में आपको एनालॉजी यूज करनी होती है एंड क्या यूज करना होता है बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे आपके आ गया। चलो सेकेंड में देखो, सेकेंड में भी कोई बड़ी बात है नहीं, सिंपल से प्रॉब्लम से, बस आपको सिर्फ क्या करना है अच्छे से उन्हें रिमाइंड करना है। चलो सेकेंड नंबर का क्या है आई एन माइनस एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू एन एक्स अपॉन कॉस रेस टू एम एक्स इन टू डी एक्स, अच्छे से देखो एन क्या है साइन की पावर है न्यूमरेटर में, एम क्या है कॉस की पावर है डिनोमिनेटर, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है माइनस एम लिखा है, ये पता चल गया ना तो बहुत है। तो फिर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं साइन रेस टू एन माइनस वन एक्स इन टू साइन एक्स अपॉन कॉस रेस टू एम एक्स इन टू डी एक्स, तो बाय पार्ट्स में हम कैसे करेंगे इसे यू बोलेंगे एंड इसे वी बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा चलो देखो साइन रेस टू एन माइनस वन एक्स इन टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस रेस टू एम एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव एन माइनस वन इन टू साइन रेस टू एन माइनस टू इन टू एक्स, ये हो गया पावर का डेरिवेटिव इन टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स इन टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा साइन ऑफ एन साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस रेस टू एम एक्स डी एक्स इन टू डी एक्स, अच्छे से देखो प्रॉब्लम सिंपल है सिर्फ अरेंजमेंट की बात है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कॉस एक्स को टी पुट किया तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स होगा, तो इसका मतलब ये क्या आएगा माइनस डी टी अपॉन टी आएगा। देखो इस इंटीग्रल को यहाँ पे सॉल्व कर लेते इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन कॉस रेस टू एम एक्स, ओके ना, तो फिर कैसे करेंगे कॉस रेस एक्स को टी पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ पे माइनस डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी टी अपॉन टी रेस टू एम ये बाहर चला जाएगा माइनस टी रेस टू ऊपर माइनस मतलब वन माइनस एम अपॉन वन माइनस एम, इस तरह से उसका क्या आएगा आंसर, या फिर उसे हम ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन टी रेस टू एम माइनस वन। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस बार इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू माइनस एम डी टी, ओके, तो फिर क्या होगा माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा टी रेस टू माइनस एम माइनस वन
प्लस वन अपॉन माइनस एम प्लस वन, इस तरह से उसका इंटीग्रेशन आएगा। तो रिप्लेस करने के बाद यहां पे क्या होगा, माइनस वन अपॉन वन माइनस एम इंटू वन अपॉन टी रेस टू एम माइनस वन, इस तरह से उसका आंसर आएगा। माइनस यहाँ पे एब्सॉर्ब किया तो यहाँ पे क्या होगा, एम माइनस वन होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आपको यहाँ पे पता चल गया। तो क्या आएगा, चलो यहाँ पे आएगा है साइन रेस टू एन माइनस वन एक्स इंटू वन अपॉन एम माइनस वन इंटू वन अपॉन टी, मतलब क्या, कॉस रेस टू एम माइनस वन एक्स डी एक्स। सिर्फ टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, कॉस एक्स वहाँ पे, आंसर यहाँ पे आ गया। माइनस एन माइनस वन बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू एन माइनस टू एक्स इंटू, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन हमें पता चल गया, वन अपॉन एम माइनस वन इंटू वन अपॉन कॉस एक्स रेस टू एम माइनस वन इंटू डी एक्स इंटू ए कॉस एक्स वा का रह गया। तो इसे अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो वन अपॉन एम माइनस वन साइन रेस टू एन माइनस वन अपॉन कॉस रेस टू एम माइनस वन डी एक्स माइनस एन माइनस वन इंटू अपॉन एम माइनस वन, ये बाहर आ गया। तो कॉस या नीचे कम होगा, सो कॉस रेस टू एम माइनस वन था ये कम होगा, मतलब एम माइनस टू एक्स डी एक्स इंटू साइन रेस टू एन माइनस टू डी एक्स, इस तरह से होगा। तो आपका ये आई एन माइनस एम है, ओके ना। तो फिर आई एन माइनस एम इज इक्वल टू वन अपॉन एम माइनस वन साइन रेस टू एन माइनस वन एक्स अपॉन कॉस रेस टू एम माइनस वन एक्स माइनस एन माइनस वन अपॉन एम माइनस वन इंटू, यहाँ पे एन था तो एन था, एम था तो माइनस एम था, तो यहाँ पे क्या होगा, आई रेस आई एन माइनस टू, और ये क्या होगा, टू माइनस एम, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे माइनस एम था, इसका माइनस किया तो टू माइनस एम होगा। तो यही वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। सो आई एन माइनस एम ये आ जाके क्या बनेगा, प्लस बनेगा, ओके। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, आंसर आएगा हमारा ए। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो लास्ट एमसीक्यू जो है कॉम्प्रेशन, यहाँ पे भी हमने क्या किया, रिडक्शन का यूज किया। तो आपको रिडक्शन का यूज करना है एंड एनालॉजी का यूज करना है, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। बायपार्ट्स का आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो कॉम्प्रिहेंशन का लास्ट प्रॉब्लम जो है क्या है, यू एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, ओके। तो अब यू एन प्लस वन क्या होगा, यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी। तो फिर कैसे होगा, एक्स रेस टू एन इंटू टू ए एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या है, टू ए एक्स प्लस टू बी, ओके। तो फिर क्या आएगा, चलो देखो टू ए, ओके ना, एक्स रेस टू एन, एन प्लस वन यहाँ पे ऑलरेडी है, प्लस टू बी एक्स रेस टू एन, तो यहाँ पे एक्स टू बी एक्स रेस टू एन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलो सबसे पहले वन अपॉन टू ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, चलो देखो वन अपॉन टू ए इंटीग्रेशन ऑफ टू ए एक्स इंटू एक्स रेस टू एन अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी। तो फिर क्या होगा, यू एन प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए, एडजस्टमेंट करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या है, टू ए एक्स प्लस टू बी, तो प्लस टू बी में ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया, सो टू ए एक्स प्लस टू बी इंटू एक्स रेस टू एन माइनस टू बी, टू बी एक्स रेस टू एन ऐड किया, तो टू बी एक्स रेस टू एन सब्सट्रैक्ट करेंगे अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद क्या मिलेगा, यू एन प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए इंटीग्रेशन ऑफ टू ए एक्स प्लस टू बी एक्स रेस टू एन अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी माइनस टू बी कॉमन लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। सिर्फ एडजस्टमेंट की बात है, यहाँ पे क्या किया हमने, एडजस्टमेंट किया। तो अब ये क्या है, हमें पहले ही दिया गया है ये किसकी वैल्यू है, यू एन की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वन अपॉन टू ए इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डेरिवेटिव ऊपर रहेगा, देखो टू ए एक्स प्लस टू बी इंटू एक्स रेस टू एन अपॉन रूट ऑफ
ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी माइनस टू बी इंटू यू एन, तो टू बी अपॉन टू ए, क्योंकि ये जो 2a है ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ भी 2a आएगा, 2 2 कैंसिल होगा, मतलब b अपॉन a आएगा, तो यहाँ आके प्लस होगा, सो यू एन प्लस वन माइनस प्लस b अपॉन a यू एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन ऑफ 2a x प्लस 2b इन टू एक्स रेस टू एन अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू बी एक्स प्लस सी इन टू डी एक्स, तो यहाँ पे बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, सो यू एन प्लस वन प्लस बी अपॉन ए यू एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए, बाय पार्ट्स का यूज करेंगे तो क्या होगा एक्स रेस टू एन ऐसे ही बाहर आएगा इन टू इंटीग्रेशन ऑफ टू ए एक्स प्लस टू बी अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू एन माइनस वन इन टू इसका इंटीग्रेशन टू ए एक्स प्लस टू बी अपॉन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इन टू डी एक्स। अच्छे से देखो, चलो तो फिर क्या होगा, यू एन प्लस वन प्लस बी अपॉन ए यू एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए एक्स रेस टू एन, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो आंसर क्या आएगा, टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, टू टू कैंसिल होगा, माइनस वन अपॉन टू ए इंटीग्रेशन ऑफ एन बाहर आ गया एक्स रेस टू एन माइनस वन इन टू टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इन टू डी एक्स। तो अब क्या होगा, यहाँ पे टू टू कैंसिल हो जाएगा, सो यू एन प्लस वन प्लस बी अपॉन ए यू एन इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन अपॉन ए रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी माइनस एन अपॉन टू टू कैंसिल होगा ए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन इन टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, इस तरह से आपका क्या आएगा, इंटीग्रल आएगा। तो यहाँ पे आगे आपको क्या करना होगा, फिर से बाय पार्ट्स का यूज करना होगा। ऑप्शन में आप देख सकते हो यू एन प्लस वन, यहाँ पे देखो क्या आ गया, यू एन भी आ गया, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू एन माइनस वन भी मिलेगा। इसका मतलब इससे आगे आप क्या करोगे, फिर से एक बार बाय पार्ट्स का यूज करोगे, इसका इसके लिए बाय पार्ट्स यूज करना भी कोई बड़ी बात है नहीं। तो इस तरह से आप क्या करोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, आपके एक्सरसाइजेस यहाँ पे क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे। सो हमारा इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन का जो आर्टिकल है वो आज यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच।